खुशबू ऐसी जो पूरे मोहल्ले में फैल जाए, जायका ऐसा कि कोई सालों तक भुला ना पाए। तो ऐसी ही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इजी वे में बन जाती है। बिरयानी तो नहीं है लेकिन बिरयानी से कम भी नहीं है। तो रेसिपी को पूरा देखें बिना स्किप करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, लेकिन हाँ इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े भगोने में डाल देंगे हम 1 कप वेजिटेबल ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़े प्याज जिसको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को यहाँ पर हमें गोल्डन फ्राई करना है। प्याज गोल्डन हो चुका है तो इसे यहाँ पर हम निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में फैला देंगे। यहाँ पर डाल देंगे 3 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भून लेंगे अच्छी तरह। आपको यहाँ पर पेस्ट नहीं लेना है, लहसुन अदरक को कूट कर डालना है। तो यहाँ पर ये भून चुका है अच्छी तरह से, अब इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक भून जाने के बाद यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है जो कि हमने रेड मीट लिया है। आप यहाँ पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर डाल देंगे अच्छी तरह से, इसको तेल और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है और गैस का फ्लेम आपको यहाँ पर हाई रखना है। 5 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनते हुए हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको हमने रफली काट लिया है, और यहाँ पर लिए हैं 6 से 7 दाने आलू बुखारे के। अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो आप इमली के दाने भी ले सकते हैं, लेकिन आलू बुखारा मसाले की शॉप पर आसानी से मिल जाता है। 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया लिया है जिसको हमने हल्का हल्का दरदरा कूट लिया है, ये डाल देंगे। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर फिर से भूनना है ताकि मसाले जो है उनका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिर्चें आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर मिर्चें बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पर भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर पकने देंगे इसे करीब 40 से 45 मिनट जब तक कि ये गोश्त गल नहीं जाता। अगर आप इसको कुकर में गलाना चाहते हैं तो आप इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दें जब तक कि ये गल नहीं जाता। गोश्त गलने के बाद आपको दिखाएंगे। लो फ्लेम पर रखा था इसको 40 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पर 50 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, पानी सूख चुका है, और देखें यहाँ पर जो तेल है इसका वो भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें हमने लिए हैं 4 तेज़पात के पत्ते, 4 से 5 श्रीमती के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 5 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग ली हैं, 10 से 15 ली हैं हमने काली मिर्च, और 1 बड़ी इलायची और 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। ये खड़े गर्म मसाले इसमें डाल देंगे। गर्म मसाले आपको शुरू में नहीं डालने हैं, इसी स्टेज पर डालने हैं। इसको मिक्स कर देंगे। गर्म मसाले डालने के बाद 2 बड़े आलू लिए हैं जिनको बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, ये डाल देंगे। बिरयानी नहीं है लेकिन किसी बिरयानी से भी कम नहीं है। ऐसी रेसिपी आप जब इसको ट्राई करेंगे तो देखेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होता है। आलू को अच्छी तरह से हमने गोश्त के साथ भून लिया है करीब 3 से 4 मिनट तक। तो देखें यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम चावल जो कि हमने यहाँ पर गोल्डन राइस लिया है। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त के साथ 750 ग्राम चावल लिए हैं जिनको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल जो है इसका बिल्कुल पानी निकाल दिया है। अगर आप चावल इक्वल लेना चाहते हैं गोश्त के साथ बिल्कुल, तो 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त भी ले सकते हैं। ये चावल इसमें हम डाल देंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 गिलास चावल हैं। अपने घर के कोई भी बर्तन जो कि कटोरी या गिलास हो उसको आप मेजरिंग कप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हल्के हाथ से हम चावल को मिला लेंगे गोश्त के साथ में। चावल भीगा हुआ है, एहतियात से मिलाएं। जिस बर्तन से आपने चावल का मेजरमेंट किया है उसी कप से यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए है 3 कटोरी चावल, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 6 कटोरी पानी। एक नींबू का जूस डाल देंगे। 1/2 कप दही लिया है जिसको फेंट लिया है, ये डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक हल्का लगता है तो यहाँ पर नमक को शामिल कर दें। नमक यहाँ पर कम है तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दें, और लेकिन नमक को थोड़ा तेज ही डालें क्योंकि पकने के बाद ही वो बैलेंस होता है। नमक डालने के बाद यहाँ पर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि हल्के कलर के हैं, बिल्कुल रेड कलर के हैं। इस तरीके से आप पीले टमाटर ले लें, और 7 से 8 ली है यहाँ पर हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर पुदीना, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है जिसको हमने मोटा मोटा रफली कट कर लिया है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको यहाँ पर जुलियन कट कर लिया है। ये सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और फुल फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे। चावल में उबाल आने के बाद इसको हमने 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया है और पानी देखें यहाँ पर इतना खुश्क हो चुका है। जब इतना पानी यहाँ पर रह जाए कि इसमें इस तरीके से नीचे दिखाई देने लगे चावल से, तो यहाँ पर डाल देंगे हम प्याज, ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देंगे इसमें और थोड़ा हम रोक लेंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे यहाँ पर केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी 2 से 3 ड्रॉप ही डालें। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर यहाँ पर एक कपड़े को ढक देंगे, इसकी लिड लगा देंगे, तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे करीब 10 से 12 मिनट तक और यहाँ पर जो है उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के 15 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। 15 मिनट गैस को बंद किए हुए हो गए हैं, देखें यहाँ पर खुशबूदार सा हमारा पुलाव बनकर तैयार है। एक साइड से चमचा ले आते हुए इसे खोल लेंगे। इसे एक ट्रे में सर्व कर लेंगे। खुशबूदार सा बिरयानी पुलाव बनकर तैयार है। अब ऊपर से डाल देंगे यहाँ पर बचाया हुआ प्याज जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखें यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पुलाव बनकर तैयार है जो बहुत ही इजी वे में हमने बताया है और ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे तो सब ही खींचे चले आएंगे। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।